बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक लड़का एक बुज़ुर्ग के पास जाता है और बुज़ुर्ग को कहता है कि आप मुझे मेरी वैल्यू बताएं, आप मुझे मेरी प्राइस बताएं। बुज़ुर्ग लड़के के सवाल पे परेशान तो हो जाता है, लेकिन उसको एक कीमती और चमकदार पत्थर देता है और कहता है कि तुम इसको मार्केट में ले जाओ और इसकी कीमत लगवा के लाओ। लड़का इसी तरह करता है और उस पत्थर को मार्केट में ले जाता है और सबसे पहले वो एक ऑरेंज सेलर के पास जाता है। जब ऑरेंज सेलर इस पत्थर को देखता है तो कहता है कि मैं तुझको इसके बदले 12 ऑरेंज दूंगा। लड़का मदद करता है, थोड़ा सा आगे एक वेजिटेबल सेलर के पास चला जाता है। जब वेजिटेबल सेलर इस पत्थर को देखता है तो कहता है कि मैं तुझको इसके बदले आलूओं की एक बोरी दूंगा। लड़का मदद करता है, थोड़ा सा आगे एक गोल्ड सेलर के पास चला जाता है। जब गोल्ड सेलर इस पत्थर को देखता है तो कहता है कि मैं तुझको इसके बदले एक गोल्ड नेकलेस दूंगा। लड़का मदद करता है और ना बेचने की वजह बताता है, लेकिन सेलर उसको एक और ऑफर करता है कि मैं तुझको इसके बदले 50,000 रुपये दूंगा। लड़का मदद करता है और थोड़ा सा आगे एक कीमती पत्थरों की दुकान में चला जाता है। जब सेलर इस पत्थर को देखता है तो ज़मीन पर एक कपड़े को बिछा देता है और इस पत्थर को इस कपड़े के ऊपर रख देता है और इस पत्थर के इर्द गिर्द चलना शुरू कर देता है। और सेलर कहता है कि अगर मैं पूरी कायनात को बेच भी दूँ तो इस पत्थर की कीमत हरगिज अदा नहीं कर सकता। लड़का सेलर की बात को सुनने के बाद वापस बुज़ुर्ग के पास आता है और बुज़ुर्ग को यह सारा माजरा सुनाता है। बुज़ुर्ग लड़के की बात सुनने के बाद कहता है कि इसी तरह हम भी सारी ज़िंदगी अपनी कीमत लगवाते रहते हैं, लेकिन हमारी कीमत भी वो शख्स लगाते हैं जिनको अपनी कीमत का भी पता नहीं होता।